हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही चैनल टेक्निकल समय में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आपका जो mCent ब्राउज़र में प्रॉब्लम चल रहे हैं वो कैसे आप सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो को पूरा इन तक देखते हो तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं पिछला वीडियो में 50 रुपये का पेटीएम कैश गिव अवे रखा था। दोस्तों आपके सामने लाइव उसको 50 रुपये का पेटीएम कैश दे के दिखा दूंगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन गिव अवे का विनर है। ठीक है, मैं आपको जाके दिखा देता हूँ किसको मिलता है 50 रुपये का पेटीएम कैश। ठीक है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, दोस्तों मैं कोई फेक गिव अवे नहीं करता, जो मैं बोलता हूँ वही दे देता हूँ। आपके सामने लाइव 50 रुपये का पेटीएम कैश गिव अवे दे दूंगा। ठीक है, आप देखते रहिए ध्यान से, नहीं तो बाद में कमेंट करोगे फेक गिव अवे, ऐसा नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, मैं जिस वीडियो में गिव अवे रखा था उस वीडियो का लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ। दोस्तों, मैं इस वीडियो में गिव अवे रखा था 50 रुपये का, इस वीडियो का लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद चलाया कमेंट पिकअप। दोस्तों, इस साइज से जिस जिस कमेंट को पिकअप करेगा उसको ही 50 रुपये का पेटीएम कैश मिलेगा। ठीक है, वो मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें जो जिस कमेंट को सिलेक्ट करेगा उसी को 50 रुपये का पेटीएम कैश मिल जाएगा। ठीक है, मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कौन गिव अवे का ओनर है। मैं स्टार्ट पे क्लिक कर दिया और देखता हूँ कौन गिव अवे का ओनर होता है। दोस्तों, यहाँ पे अभिदेश कुमार यहाँ पे गिव अवे का ओनर हो गया है। दोस्तों, मैं आपको कमेंट में दिखा, दोस्तों मैं कमेंट में जाके देख लेता हूँ उसे क्या कमेंट किया। दोस्तों, वह यहाँ से उसका पेटीएम नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसने पेटीएम नंबर दिया है, तो उस पेटीएम नंबर के कमेंट कर कॉपी करके उसको 50 रुपये का सेंड कर देता हूँ। मैं वहाँ पे जाके देख लेता हूँ कमेंट में कोई अभिदेश कुमार है भी या नहीं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अवधीश कुमार का कमेंट है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक गिव अवे का विनर हो गया है। दोस्तों, आपके सामने उसको 50 रुपये का पेटीएम कैश दे देता हूँ। ठीक है, इसने पेटीएम नंबर दिया है, तो इसको मैं पेटीएम 50 रुपये का पेटीएम कैश दे देता हूँ, आपके सामने ही दे रहा हूँ दोस्तों। मैं उसका नंबर को कॉपी कर लिया, उसके बाद पेटीएम में चला जाता हूँ। जाके उसको पेटीएम नंबर उसको मैं दोस्तों उसको मैं 50 रुपये का पेटीएम कैश दे देता हूँ। अभिदेश कुमार, आप वीडियो देख रहे हो तो आप पेटीएम पेटीएम वॉलेट में चेक कर लेना, आपका 50 रुपये का पेटीएम कैश चला जाएगा। ठीक है, आपके सामने लाइव 50 रुपया उसको पेटीएम में सेंड कर देता हूँ। ठीक है, उसको मैं दोस्तों उसको मैं 50 रुपये का पेटीएम कैश सेंड कर दिया। दोस्तों, आप जो भी विनर है वो वीडियो देख रहा है तो वो पेटीएम में जाके चेक कर लेना। ठीक है, आप बात आती है आप कैसे जो mCent ब्राउज़र में प्रॉब्लम चल रहे हो और कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके कोई भी एक क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेगा ना। वहाँ से जाके कोई भी क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिए, ध्यान से नहीं देखोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिए। दोस्तों, मैं उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, आप सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद नीचे जाने के बाद आपके सामने क्लिक हियर टू कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ कैप्चर भी मांगा जा सकता है, तो कैप्चर को फिल कर दिए, नहीं मांगा जाता है तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर से नीचे जाने के बाद आपके सामने 5 सेकंड का एक टाइमर स्टार्ट होगा, उसके बाद गेट लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली गेट लिंक पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके सामने गेट लिंक का ऑप्शन आ गया। ठीक है, यहाँ पे गेट लिंक पे सिंपली क्लिक कर दीजिए। गेट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होके आ जाएगा। देख लीजिए, ऐसा पेज ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली कोई भी ऑप्शन में मत क्लिक कीजिए। उसके बाद आप नीचे जाने के बाद आपके सामने एक ईमेल का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से ध्यान से देखिए आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में अभी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका नाम और ईमेल एड्रेस और जो एमसेंट ब्राउज़र मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करके आप सर्च बार में कुछ लिख के यहाँ पे आप मैसेज कर दीजिए। सो दोस्तों आप इंग्लिश जानते हो तो आप इंग्लिश में यहाँ पे लिख के सेंड कर सकते हो, ठीक है। सो उसके बाद मेन चीज़ यहाँ पे, सो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करना है मैं आपको दिखा दूँ। सो यहाँ आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है ना वो उस एमसेंट ब्राउज़र में चला जाइए, ठीक है। एमसेंट ब्राउज़र में जाके आप जो आपका जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 199 का रिचार्ज 10 लाख पॉइंट आ गया तो उसका एक ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे आपको सारे जो आपका प्रॉब्लम चल रहा है वो सारे लिखने के बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद जो आपका स्क्रीनशॉट लिया है जो प्रॉब्लम है उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका फोटो चला आएगा, उसके बाद यहाँ पे मैसेज को सेंड कर दीजिए। उसके बाद आपके कुछ देर बाद रिप्लाई आ जाएगा जो कि आपका सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर भी आपका ना ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है दोस्तों, ठीक है। फिर भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो आप टेंशन मत कीजिए, क्योंकि इस महीने के एंड में आपको न्यू अपडेट मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छी ऑफर के साथ आ जाएगा, ठीक है। सो आपका मैसेज सेंड कर दीजिए, उसमें हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर भी टेंशन मत कीजिए, इस महीने के एंड में अपडेट आ जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों आप मैसेज को जरूर सेंड कीजिएगा, ठीक है, आपका हो सकता है दोस्तों, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, साथ में इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि इस ऑफर के बारे में सभी को पता चल सके। सो दोस्तों थैंक।